पिछले काफी समय से पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ाकर 12.25% कर दी है, इससे वहाँ लोन की ब्याज दर बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ IMF से मिलने वाले राहत पैकेज के तहत अगर पाकिस्तान ने सभी शर्तों को मान लिया तो वहां कम से कम 10 लाख नौकरियों पर कैंची चल सकती है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि SBP ने सोमवार को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। बैंक ने बेंचमार्क ब्याज दरों को 1.5% बढ़ाते हुए 12.25% कर दिया है। ये बढ़त 21 मई से लागू हुई। बैंक ने अपने बयान में कहा कि महंगाई की ऊंची दर और रुपए में भारी गिरावट को देखते हुए ये बढ़त जरूरी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट भी नरम ही रहने का अनुमान है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूर किया है, लेकिन इसके लिए जो शर्तें उसने तय की हैं उससे पाकिस्तान की कमर और टूटती दिख रही है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को 39 महीने का स्टेबलाइजेशन का कार्यक्रम चलाना होगा। इसका मकसद पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। IMF की शर्तों को मानने से अगले 3 साल में कम से कम 10 लाख नौकरियों पर कटौती हो जाएगी। शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को अपने करेंसी एक्सचेंज को बाजार के मुताबिक छोड़ना होगा। IMF के बोर्ड से 39 महीने का राहत पैकेज को मंजूरी मिलने से पहले ही शर्तों के मुताबिक ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी और ईंधन की कीमतें भी बढ़ानी है। इन सब से जनता की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। IMF की शर्तें 2022 की तिमाही तक लागू रहेंगी और उसके बाद अगस्त 2023 में इमरान सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इमरान सरकार को चुनाव से पहले नौकरियों को पैदा करने के लिए कुछ ही महीने मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर IMF से राहत पैकेज मिलने के बाद भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधर रही, बल्कि और ज्यादा खराब होती दिख रही है।